नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ कोरोना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के 3 विशेष पर्यवेक्षक मतदान के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशों के खिलाफ चुनाव के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। और आपको बता दें कि बीरभूम के बोलपुर स्थित गीतांजलि सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुप नहीं बैठ सकती, भले ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बहुत हुआ अगर निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तो सिर्फ बीजेपी की मदद के लिए काम कर रहे हैं, वो टीएमसी को खत्म करना चाहते हैं। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनाव के बाद ऐसी साजिश और पक्षपात पूर्णता के साथ ही जिस तरीके का रुख चुनाव आयोग की तरफ से अपनाया जा रहा है वो उच्चतम न्यायालय जरूर जाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि ये 3 सेवानिवृत्त लोग चुनावों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उनके पक्षपातपूर्ण आचरण से बीजेपी को सिर्फ 7-8 सीटें जीतने में मदद मिलेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूं कि भाजपा 70 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। संदेश भी दिया, वहीं पर सोनार बंगला बनाना है तो आने वाले 2 चरण में लोगों को मतदान करना है, इसका संदेश भी दिया। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि 4 दशक बाद पहली बार मतदाताओं को मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की स्थापना बंगाल में हो रही, इस बात का उन्होंने संदेश दिया। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, 4 दशक से बंगाल का डेवलपमेंट रुका हुआ था, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बंगाल का डेवलपमेंट करेंगे। और अर्बन एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, हर क्षेत्र को उन्होंने फोकस किया, किसानों को फोकस किया, किसानों की फसलें का उचित दाम उनको उनके सीधे खाते पे पहुँचे, साथ ही उसके द्वारा वैल्यू एडिशन के लिए किस प्रकार काम किया जा सकता है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। तो एक बंगाल की जनता को सोनार बंगला किस प्रकार बनाना है, क्या सपना है उनका, वो साकार करेंगे हम, ये विश्वास दिलाया। सरकार बनती तो फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा बीजेपी की ओर से, ये निश्चित रूप से फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। और सर, ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि जो भी ऑक्सीजन सप्लाई का चेन है वो बीजेपी शासित राज्यों के द्वारा वहाँ पे उनको हैंडल किया जा रहा है, बंगाल को नहीं मिलेगा, ये क्या कहेंगे? बंगाल, ममता जी को यही नहीं पता कि उनके बंगाल में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज हैं। यदि वो उनको सबको मिलाकर उनसे बात करके और ऑक्सीजन अगर उत्पादन को सेंट्रलाइज कर दे तो बंगाल में समस्या ही नहीं रहे, क्योंकि जितनी भी आयरन इंडस्ट्री है सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और बंगाल में बहुत सारी आयरन इंडस्ट्री है जो कि ऑक्सीजन बनाती है। उन सब के ऑक्सीजन अगर सरकार सेंट्रलाइज कर ले तो बंगाल में ऑक्सीजन की समस्या ही नहीं हो, पर उनको सिर्फ राजनीति करना है। ऑक्सीजन तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से आरोप लगाए। ये कोई पहला मामला नहीं है जो ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, ऐसा पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे वो चुनाव के फेजेस की बात हो या फिर मतदान के दिन की बात हो। हमेशा से ही ममता बनर्जी को ये रहता है कि चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लेकर आए, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता बताया जाए या फिर भेदभावपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया जाए। एक बार फिर से कहा यह गया है कि इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षकों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं की हिरासत का आदेश पुलिस के अधिकारियों को दिया था। यह बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर टीएमसी की तरफ से लगाया गया है। एक तरफ कोरोना काल है, देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, पूरा देश परेशान है, देश के लोग परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी फुल टू राजनीति करने में लगी हुई हैं। पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है जो कि थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। चाहे वो कोरोना की बात हो, कोरोना पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसार चुका है, लगातार केसेस वहां से भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ना तो चुनावी जनसभाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ
जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। संदीप त्यागी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजय जी आपसे ही करूंगी क्योंकि कोरोना काल पूरी तरीके से चल रहा है, सियासत भी फुल चल रही है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के जो पर्यवेक्षक है उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पकड़ो, गिरफ्तार करो, क्या मतलब है इस चीज का? देखिए ऐसा है कि जो कुछ आपके सामने दिख रहा है इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, वाकई में ये हो रहा है। हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको बिना मतलब हिरासत में लिया गया है और जिसकी वजह से जो है दिक्कतें हम लोगों को सामना करना पड़ रही है। और क्योंकि हमारे कुछ खास कार्यकर्ता हैं जो मतलब जिनके हाथ में कमान रहती होती ना, जैसे बूथ को जो है जो मेंटेन करते हैं, बूथ का जो एजेंट मेन एजेंट होता है उनको तक जो है वो हिरासत में लिया गया है। और किस कारण से लिया गया है इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो यही वजह है कि भाई जो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी ना उसकी शिकायत तो हम निश्चित रूप से करेंगे और ये शिकायत की गई है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके कारण क्या है, ये जो है अभी तक जो है खुलासा नहीं किया गया है। और ये इशारे पे हो रहा है सब कुछ, जो है भाजपा के इशारे से सब कुछ हो रहा है सारी चीज। संदीप त्यागी जी बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अब उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के जो पर्यवेक्षक है वो पुलिस अधिकारियों से जाकर बोलते हैं कि जाओ और टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको गिरफ्तार कर लो, और ये सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है ये सब कुछ। संवैधानिक संस्थाओं में भरोसे काम करती है, कहीं से अपना किसी भी तरीके से कोई गलत कार्य नहीं करती है। संवैधानिक चुनाव आयोग की कहीं भी अवहेलना नहीं होगी, चुनाव आयोग के नियमों के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं, न किसी के इशारे में कोई काम हो रहा है। कल नदिया जिले में चुनाव हुआ तो नदिया जिले की कल्याणी विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर बमबाजी करी गई, भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में घुसे, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज किया। इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन मैम स्वतंत्र इकाई है, वो किसी के कहने पर काम, टीएमसी वाले नहीं मानते इस चीज को, टीएमसी वाले नहीं मानते इस चीज को कि स्वतंत्र संस्था है। सपा बसपा कोई नहीं मानता है, इन लोगों को जब जब इनका अस्तित्व खतरे में नजर आता है तब तक ये संवैधानिक संस्था, उसका कारण सिर्फ यही है संदीप त्यागी जी, उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि क्योंकि आपके मुताबिक काम होता है। आप चाहते थे कि 8 चरणों में इलेक्शन हो, इलेक्शन हो रहे हैं, आप चाहते थे कि हिंसा हो। अब एक मिनट पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अब टीएमसी वालों का कहना है कि आप चाहते थे कि मतदान के दिन चुनाव के समय में हिंसा हो, जो कि खूब हिंसा भी हो रही है। अब टीएमसी का यही कहना है कि आप जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, जिसके चलते आयोग पर सवाल उठते हैं। अब एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चुनाव आयोग काम करता तो कल भारतीय जनता पार्टी के घर में जो घुस के मारपीट हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो बमबाजी हुई है वो क्यों होती? सीआईएसएफ जो काम करती वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करती, वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को वोट न डालने देती, उनके कार्यकर्ताओं को पीटती, इनके कार्यकर्ताओं को भूत से भगाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्य पे कहीं चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, ये तो चुनाव आयोग अपनी ही सतह स्वतंत्र इकाई है उस पर काम कर रहा है। और तृणमूल कांग्रेस ये गुंडागर्दी भ्रष्टाचार करप्शन इतना फैला रहे हैं, ये लोगों में भयावह स्थिति भय पैदा कर रहे हैं। इस डर की वजह से लोग ये चाहते हैं कि लोग मतदान ना करें, लोग मतदान में ना जाए, ये इनकी जीतता है, ये इनकी मनता है। ठीक है, आऊंगे आपके पास कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है और रक्त रंजित राजनीति कौन कर रहा है। संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए, जो आपकी पार्टी के लोग करते हैं सीधे सीधे ठीक रहा, बीजेपी वालों पर फोड़ देते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी खुलम खुला आपको सबूत मिल ही गया कि 16 तारीख को जब ममता दीदी ने बोला था कि चुनाव का आयोग जो है 3 फेज की चुनाव एक फेज में करा रहे हैं, एक बार में करवा ले, किसी ने उसमें कॉल दूसरा कोई। कल जब प्रधानमंत्री जी ने जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पूरे देश में प्रेशर पड़ने लग गया तब उन्होंने वर्चुअल रैली स्टार्ट किया, तो चुनाव आयोग फट से मान गया कि वर्चुअल रैली कराना चाहिए। अब तक क्या वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, देश की क्या हालत हो रही है उनको पता नहीं चल रहा था? देश में इतनी ज्यादा महामारी फैली हुई है, इतने ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी है, हर चीज इतनी ज्यादा समस्या सामने आई खड़ी हुई, लेकिन चुनाव आयोग के कारण भी क्योंकि जब तक
हरी झंडी नहीं मिली। आपका सवाल मैं उनसे पूछूंगी, आपका सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आपसे सवाल है ममता बनर्जी ने आज रैली क्यों की है? कोरोना काल तो चल रहा है ना, आज भी ममता बनर्जी ने रैली की, और ये जो आरोप लगाया ये रैली में ही कहा है, रैली में ही कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारियों से कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार करो। आज कैसे रैली हुई, फिर कैसे जनसभा हुई? आज हमारे पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तय किया है उस गाइडलाइन के ऊपर ही रैली की है। ये गाइडलाइन से कोई भी ऐसा नियम नहीं था जिसको फॉलो नहीं किया गया है, सारे गाइडलाइन। मतलब रैली होगी, मतलब रैली होगी, रैली सब नहीं होगी, रोज नहीं होगी, जो जो उन्होंने गाइडलाइन दिया जितनी रैली, लोग मरते रहे, रैलियां होती रहेंगी, इलेक्शन होते रहेंगे, कोरोना फैलता रहेगा, कुछ नहीं रुकेगा हमारे देश में। हाँ? नहीं, वहाँ पे कह तो रहे जो गाइडलाइन हम लोगों को दिया गया था उस गाइडलाइन के ऊपर, गाइडलाइंस का हवाला देकर आप लोग उल्टू राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस का हवाला देकर। संदीप त्यागी जी, अब पीएम की जो रैलियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है, पहले से भी आदेश तो आ सकता था, अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से आपने कहा कि अब रैलियां रद्द करने का आदेश दे दो, तो हम रैलियां रद्द कर देते हैं, क्योंकि अब हमारी जो रैलियां हैं पूरी हो चुकी हैं, आठ चरणों का जो मकसद था वो हमारा पूरा हो चुका है, अब हमें आदेश दे दो, अब हम वर्चुअल रैली से काम चला ले, क्योंकि क्योंकि देश में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब तो शर्म आएगी आएगी। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने 6 रैलियां रद्द करी है, अमित शाह जी ने 4 रैलियां रद्द करी है, ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी रैलियां खत्म हो गया। हमने पहले ही कल चुनाव आयोग के फैसले से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी वर्चुअल रैली करी है, उन्होंने कल चुनाव आयोग के फैसले से पहले उन्होंने अपनी, अगर चुनाव आयोग, एक मिनट यही सवाल मैं पूछ रही हूँ, अगर चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही प्रधानमंत्री रैली कर सकते हैं तो एक महीना पहले से भी बंद कर सकते थे, 15 दिन पहले भी रैलियां बंद कर सकते थे, 10 दिन पहले भी रैलियां बंद कर सकते थे, फिर आप चुनाव आयोग का हवाला क्यों दे रहे थे कि चुनाव आयोग कहेगा तभी हम रैलियां बंद करेंगे? ऐसा नहीं है, अगर चुनाव आयोग के कहने पर उन्हें उधर दूसरी तरफ उन्हें जो देश में आई हुई वैश्विक महामारी से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी उसको भी देख रहे हैं, उसकी भी बैठकें रोज कर रहे हैं, तो वो तो वो तो पिछले एक महीने से देख रहे हैं ना। एक मिनट संदीप त्यागी जी एक मिनट वो जो महामारी है ना हमारे देश में एक मिनट संदीप त्यागी जी, ये जो हमारे देश में महामारी है ना, तो इसको तो प्रधानमंत्री 10 दिन पहले भी देख रहे थे, 15 दिन पहले भी देख रहे थे, एक महीना पहले भी देख रहे थे, एक मिनट एक महीना पहले भी तो देख रहे थे ना प्रधानमंत्री। इसकी बैठक तो काजल मैडम प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को भी कर रहे थे, 4 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री ने स्पेशल मीटिंग बुलाई थी। आप मेरी बात से किनारा कर रहे हैं संदीप त्यागी जी, आप मेरी बात से किनारा कर रहे हैं। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं संदीप त्यागी जी, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे, मेरी बात से आप किनारा कर रहे हैं। मैं आपसे, आपने ये कहा कि चुनाव आयोग के आदेश से पहले प्रधानमंत्री ने अपनी रैली रद्द कर दी, अब आदेश से पहले रैलियां रद्द कर दी तो वो 4 दिन पहले भी रद्द की जा सकती थी, 10 दिन पहले भी रद्द की जा सकती, एक महीना पहले भी रद्द की जा सकती थी, पहले से क्यों नहीं की गई? इतनी भयंकर समस्याएं देश में नहीं लग रही थी कि बंगाल में इतनी भयंकर समस्याएं नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री, बंगाल में समस्या थी लेकिन आंकड़े उजागर नहीं किए जा रहे थे, बंगाल में समस्या थी लेकिन आंकड़े उजागर नहीं किए जा रहे थे, इस बात को प्रदेश की सरकार का, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को नहीं नकार सकते, इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लिए इसलिए उजागर नहीं कर रहे थे कि कहीं उनको समस्या ना हो जाए रैली करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जैसे ही आंकड़े उजागर हुए तो प्रधानमंत्री जी ने रैली स्थगित करने का काम किया। संजय चक्रवर्ती जी, आंकड़े छुपाने का काम राज्य सरकार क्यों कर रही थी, ताकि रैलियां ना रुक जाए, ताकि टीएमसी की रैलियां कम ना हो जाए, ताकि जनता के बीच में जो गुणगान करना है, जो चंडी पाठ करना है, जो हिंदू कार्ड खेलना है, जो मुस्लिम कार्ड खेलना है, वो कहीं कम ना पड़ जाए, इसीलिए आंकड़ों को उजागर नहीं किया गया राज्य सरकार की तरफ से। जितने कार्ड आपने नाम लिए हैं, जितने कार्ड सारे भाजपा के खेले हुए कार्ड है, सारे के सारे मैं टीएमसी के भी गिनवा दूंगी, मैं टीएमसी के भी, मैं एक एक कार्ड टीएमसी का भी गिनवा सकती हूँ, मैं एक एक कार्ड टीएमसी का भी गिनवा सकती हूँ। एक मिनट, एक एक करके बोलिए, एक एक करके संजय चक्रवर्ती जवाब दीजिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे बात समझ नहीं आएगी, बोलिए। हाँ बोलिए। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जब ये चुनाव के बाद से ही, लोकसभा के चुनाव के बाद से ही इनका जो है पश्चिम बंगाल का दौरा इनका शुरू हुआ, वहाँ शुरुआत में जय श्री राम के नारे से जो है इनका अपना जो है प्रोटोकॉल, जिस तरह के काम शुरू हुआ जय श्री राम का, उसके बाद हिंदू मुस्लिम कार्ड पे आ गए, उसके बाद टोलाबाजी, कोयला घोटाला, ये घोटाला, सीबीआई के, आप सवाल उधर मत लेके जाइए, ये सवाल मैंने आपसे पूछा, ये सवाल लेकर के मैं आ रहा हूँ, सारे घोटाले लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, लेकर आइए, फिर मैं मुसलमान को गले भी लगा लिया, हर काम कर लिया, लेकिन जब देखा कि पब्लिक की सपोर्ट नहीं मिली तो बाहरी लोगों को बुला करके रैली भी करवा ली, जितने भी वहाँ पे आपने रैली पे देखा वो लोकल आर्मी नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा सब बाहर के लोग आकर के वो रैलियों को जो अटेंड कर रहे थे, बाकायदा उनको पैसा दे करके रैली में बुलवाया गया है,
ठीक है ना, और ये सारी चीजें खुलेआम हुई है, पूरे तरीके से एकदम एक्सपोज हुआ है ये सारी चीजें कि कैसे किस तरीके से पर व्यक्ति पैसा दे करके उनको रैली पे बुलाया गया। और आज जब देश पूरा हाथ से निकल गया, जब इस तरह पहुंचा है कि हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश में हाहाकार मचा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और एक ऑक्सीजन जो है मात्र 3,68,00,000 रुपए में एक ऑक्सीजन का जो है प्लांट लग जाता है मात्र, जबकि इसकी कोई तैयारी नहीं की गई थी पिछले एक साल में, जबकि पता था कि सेकंड वेरिएंट आने वाला है, लेकिन मूर्तियां बन गई, बड़े बड़े स्टेडियम बन गए, 300 करोड़ का इनका जो है भाजपा का कार्यालय बन गया, लेकिन ऑक्सीजन का जो है कोई भी एक भी नया उपोध नहीं बनाया गया, और जिसकी वजह से अगर केवल भाजपा कार्यालय में 300 करोड़ खर्चा हुआ था। ठीक है ठीक है, ब्रेक पर जाना होगा। पैसे कौन बांट रहा है रैलियों में, हिंदू कार्ड कौन खेल रहा है, मुस्लिम कार्ड कौन खेल रहा है, कोरोना पर राजनीति कौन कर रहा है, तमाम ऐसे सवाल है, ब्रेक के बाद पूछेंगे उनके जवाब। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 0114545455 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एक तरफ कोरोना काल है, लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ वोटों से मतलब है राजनीतिक दलों को, ना कोरोना से मतलब है, ना ही लोगों की जान से मतलब है। संजय चक्रवर्ती जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, तमाम ऐसे कार्ड है जो कि आप भी गिनवा रहे थे और मैं भी गिनवा रही, चाहे वो हिंदू कार्ड हो, वोट मांगने की बात हो, या फिर मुस्लिम कार्ड हो, ऐसा कौन सा कार्ड है जो कि ममता बनर्जी ने नहीं खेला है? पहले आप उसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे कोई कार्ड नहीं खेला गया, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू जब किसी इंसान के ऊपर 100 तरह से दबाव आता है कि ये ममता बेगम है, ये मेहरुन्निसा है, ये बांग्लादेश में पैदा हुई है, ये ऐसा है वैसा, तो इंसान को कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर के बताना पड़ा कि मैं ब्राह्मण करने को, जो ब्राह्मण हो, मैं बनर्जी हो, सब कुछ बताना पड़ा, मजबूरी में बताया गया, वरना पहले कभी भी हमारी तरफ से आज तक कभी इसी पर आपसे काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पर आपसे काउंटर क्वेश्चन है। अगर अगर ममता बनर्जी से सवाल पूछ लिया जाए, उन पर दबाव बना लिया जाए कि ममता बनर्जी पाकिस्तानी है, तो ममता बनर्जी क्या हिंदुस्तान का आधार कार्ड दिखाएंगी? फिर आधार कार्ड क्यों दिखाएंगे? उन्होंने कहा जब जब किसी तरीके से आपने अभी कहा कि जब प्रेशर होता है, जब उन पर दबाव होता है, जब उन पर दबाव पड़ता है, उनको इस तरह से दिखाया गया था कि नहीं, वो केवल जो है हिंदू विरोधी है। आपने जो बात कही, मैं उसी को, आपकी बात को ही दोहरा रही हूँ। इस तरीके से एक अफवाह उड़ाई गई कि हिंदुओं का जो है विरोधी है, अफवाह उड़ाया गया कि वो दुर्गा पूजा नहीं करने दिया। अब आपकी अफवाह हो गई, अभी आप कह रहे थे दबाव बन रहा है, अभी आपने कहा था कि दबाव बन रहा है, अब अफवाह कैसे हो गई? एक तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सब लोगों ने मिलकर जो है ये अफवाह उड़ाई कि किसी तरह की ममता हिंदू विरोधी है।
तो इसीलिए ममता बनर्जी ने चंडी पाठ करके दिखा दिया, देखिए मुझे आरती आरती गानी आती है और मैं हिंदू हूँ और इसीलिए गोत्र बता दिया, देखिए मैं हिंदू हूँ इसीलिए बता दिया, इसीलिए यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसी पर मेरा सवाल सुनिए, रुकिए 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 आप एक मिनट, इसी पर तो संजय चक्रवर्ती जी, इसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर उनसे कोई कहने लगे कि आप पाकिस्तानी है तो कैसे फिर इंडिया का आई कार्ड दिखाएंगे कि कैसे फिर कैसे पहचान अपनी बताएंगे कि हाँ मैं हिंदुस्तानी है, अभी तो सिर्फ हिंदू वाली बात हो रही थी, गोत्र वाली बात हो रही थी, अगर इस तरीके से कोई कहने लगे से क्यों नहीं पूछा गया कि अमित शाह जी ने, मैं कहा कि मैं बनिया हूँ, मैं एक एक पैसे का हिसाब रखता हूँ, बात ममता बनर्जी की हो रही है, बात ममता बनर्जी की हो रही है, बात बता रहा हूँ, अगर 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 हमारे अगर हमने कुछ हमारी तरफ से हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी पार्टी के नेता ने अगर कुछ कहा है तो उसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है वो है, बताया गया उस चीज को, जब जब भाजपा की तरफ से अगर बोला जाता है कि मैं बनिया हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, जब ये सब बातें जब जो है प्रधानमंत्री स्तर से लेकर गृह मंत्री के स्तर से, मेरे सवाल से आपने किनारा कर लिया संजय जी, मेरे सवाल से आपने किनारा कर लिया, मैंने आपसे सवाल ये नहीं पूछा था, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि अगर ममता बनर्जी को कभी किसी ने बोल दिया कि आप पाकिस्तानी है या फिर आप अमेरिका की हैं या फिर आप कहीं की भी है किसी भी देश की बता दे, तो क्या ममता बनर्जी अपना आई कार्ड दिखाएंगे इंडिया का, आई कार्ड क्यों दिखाएंगे, हमारे हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारा आई कार्ड हमारे पास होगा, तो फिर हिंदू की पहचान बताने की क्या जरूरत है, हिंदू की पहचान बताने की जरूरत नहीं थी ना, पहचान बताने की जरूरत है, इनको इनको जो है एक बार लगे और ये चोट इनको बहुत जबरदस्त लगी हुई है, भाजपा वालों को बहुत तेज लगी थी, हिंदू विरोधी इनको हिंदू विरोधी घोषित करने के लिए इन्होंने हर तरीके हर फैसले अपनाए थे, इस बार जो प्रेशर था संजय जी इस बार जो प्रेशर था कि ये था कि आप हिंदू नहीं है, तो उन्होंने अपना अपना हिंदू होने का पूरा सबूत दिखा दिया, अब अगली बार इलेक्शन आएंगे चलो बीजेपी की तरफ से कोई प्रेशर आने लगा, आप पर सवाल उठाए जाने लगे कि आप इंडियन नहीं है, तो फिर क्या करेंगी ममता बनर्जी, उठा करके तो देखे उसका भी जवाब मिलेगा, हाँ उसका भी जवाब मिलेगा, एक बार उठा करके तो देखे, ऐसा तो नहीं है, हम तो कह रहे हैं जब सवाल उठा करके देखे, अभी बताया ना ये लोग जैसे बोलते हैं, संदीप जी ठीक है आपका सवाल मैं संदीप त्यागी जी के पास लेकर जा रही हूँ, आती हूँ आपके पास संदीप त्यागी जी, क्यों आप लोग इतना प्रेशर बना देते हैं दूसरी पार्टियों पर, क्यों ममता बनर्जी पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि उनको अपनी पहचान बताने की जरूरत पड़ रही है, मतलब जिस देश में वो रहती है, जिस जाति की जिस बिरादरी की वो है, वहाँ उसका सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ता है, आप देखते हैं जब अष्टमी नवमी की पूजा होती है, जब दुर्गा अष्टमी की पूजा होती है तो दुर्गा यात्रा निकालने के लिए रोक लगाती है, तो ममता दीदी की सरकार लगाती है, वो इसलिए लगाती है क्योंकि वो हिंदू विरोधी है, हर बार आप देखिए दुर्गा सप्तशती की पूजा करने के लिए रोक लगती है तो ममता दीदी की सरकार लगाती है, दूसरी बात उनको ये नहीं कहा गया कि आप चंडी पाठ करिए, चंडी पाठ मंच से करने का मतलब उनकी बौखलाहट जारी हो रही थी कि मैं हिंदू हूँ अपने आप को बताने के लिए, हमने उनकी पहचान नहीं पूछी थी कि आप हिंदू है या नहीं है, हमने उनसे ये नहीं पूछा था, हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो इस देश की आन बान शान है, तो इसलिए हम उनके लिए कहते हैं उसी आड़ में आप हिंदू वोटरों को लुभा लेते हैं, आप उसी आड़ में हिंदू वोटरों को भी लुभा लेते हैं जय श्री राम के नारे लगाकर, जय श्री राम कोई बुरी बात नहीं है, आपकी संबोधन में भी हम सब लोग जय श्री राम का नारा देते हैं, आपकी संबोधन में हम जय श्री दुर्गा नहीं कहते, जय माँ दुर्गा नहीं कहते, तो ममता बनर्जी जब चंडी पाठ करती है तो आपत्ति क्यों होती है आपको, ममता बनर्जी फिर चंडी पाठ करती है तो आपको आपत्ति क्यों होती है, फिर चंडी पाठ मंच से करने का नहीं होता है काजल जी, चंडी पाठ करने के लिए आप मंदिर जाइए, चंडी पाठ करने के लिए अपने घर में मंदिरों में जाइए, चंडी पाठ करने के लिए आप हवन करिए कुंभ करिए, लेकिन राजनीतिक अब वो सवाल करेंगे कि जगह आप डिसाइड नहीं कर सकते, संदीप त्यागी जी अब वो सवाल आपसे करेंगे कि आप जगह डिसाइड नहीं कर सकते, उनका जहां दिल करे वहां करें, आप पर सवाल फिर उठेगा कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उनकी पार्टी है, मंचों से धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, मुझे बताइए राजनीतिक मंचों से आज तक इस देश में किसी राजनीतिक मंच से धार्मिक आयोजन हुए हो तो मुझे बताइए आप, संजय जी जवाब दे रहे हैं बोलिए, संजय चक्रवर्ती जी बोलिए, भाजपा तय करेगी क्या ये पार्टी करेंगे, अभी जैसे कि आपने इल्जाम लगा दुर्गा जी के ऊपर के इल्जाम लगाया तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 2011 से पहले
पश्चिम बंगाल में जो भी दुर्गा पूजा होती थी उसमें 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से नगर निगम पैसा लेती थी हर दुर्गा पंडाल। ठीक है संजय जी, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं ठीक है, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बोलिए। ठीक है बोलिए। 2011 के बाद ममता दीदी ने इसको बंद किया और जितने भी 10 रुपए का स्क्वायर फीट पैसा दिया जाता था वो पैसा इन्होंने बंद कराया। दुर्गा पूजा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पे, पहली चीज। दूसरे बार हर पंडाल को 25,000 रुपए सालाना दिया जाता है, हर पंडाल को दिया जाता है 25,000 रुपए सालाना हर पंडाल को दिया जाता है। लास्ट ईयर जो आप लोग जिसके ऊपर आप लोग मुद्दा बना के बैठे हो वो मोहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ एक दिन में पड़ गया था, क्योंकि मोहर्रम एक दिन का त्योहार होता है, दुर्गा पूजा हमारा जो होता है वो पश्चिम बंगाल। सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होंगी, उससे काम नहीं चलेगा ना संजय चक्रवर्ती जी। ठीक है, धर्म के नाम पर ना तो लड़ने से कुछ हासिल होने वाला है और ना ही राजनीति करने से कुछ हासिल होने वाला है। आप लड़ेंगे राजनीति करेंगे कोई इससे फायदा नहीं होगा। संजय चक्रवर्ती जी, समय की भी कमी है, मेरा सवाल सुनिए आप, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं देश भर में। लगातार लोगों की मौत के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं लगता कि रैलियां ना करने की बजाय, आरोप प्रत्यारोप ना लगाने की बजाय इस संक्रमण को रोका जाए, लोगों को समझाया जाए, कम से कम उनकी जान को बचाया जाए, ऐसा नहीं लगता? राजनीति को साइडलाइन करके आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। जी बिल्कुल है, बिल्कुल होना ही चाहिए। ये बात हम लोग शुरू से बोलते चले आ रहे थे कि ये 8 फेज से चुनाव कराने की जरूरत क्या थी। मैं अभी परसों लड़ता एक जगह मैं डिबेट कर रहा था एक चैनल पे, वहाँ जब पूर्व चुनाव आयुक्त आए थे तो हम वो लॉजिक क्या दे रहे थे कि वेस्ट बंगाल 3 देशों से घिरा हुआ है, कि वो बांग्लादेश से गिरा है, भूटान से गिरा है, नेपाल से गिरा है, तो वहाँ पे आसाम से एरिया ज्यादा है। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, आज तक किसने चुनाव पे जो है भूटान ने जो है ऑब्जेक्शन किया, किस चुनाव में नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया, किस चुनाव में। ठीक है, राजनीति खत्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है। एक तरफ देश में हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं, जो मरीजों की मौत हो रही है, उनके परिजनों की चीख पुकारे पूरे देश के कानों में इस समय गूंज रही है, लेकिन बंगाल में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही, आप देख रही है एएनबी न्यूज। नमस्कार। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ, आज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चियां नूं बचाउणा है, अपने होर बुजुर्ग ने ओहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी इही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मन्नो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल थोड़े घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगवाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तिया बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानू हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दियां अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है ता 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई।